इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे वीडियो न आने की चिंता केवल एक ही मनुष्य को है, आसाराम बापू। तो आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। पता है, इस कंपटीशन के जमाने में हर एक टीवी सीरियल को किसी दूसरे टीवी सीरियल से अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ टाइम बाद इनके सीरियल का मेन पॉइंट खत्म हो जाता है और सीरियल वही सास बहू के आसपास घूमता रहता है। फॉर एग्जांपल, शक्ति अस्तित्व के एहसास की कितना अच्छा सीरियल था। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और उनकी प्रॉब्लम को लेकर शुरू हुआ था, बट एंड में क्या हुआ, वो भी एक ओवर ड्रामेटिक सास बहू सीरियल बन के रह गया। लेकिन क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए कुछ महान लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या बनाए कि लोग बोल उठे कि क्या सीरियल है, और फिर उन्होंने बनाया ये। और लोगों ने बोला भी कि क्या सीरियल है, जहाँ एक 18 साल की लड़की शादी करती है 9 साल के बच्चे से। मतलब टाइम ट्रैवल करके जो प्रियंका और निक जोनस का फ्यूचर दिखाया है ना, यही तो है असली क्रिएटिविटी। फिर आती है एकता कपूर की नागिन। देखो, स्टार्टिंग में स्टोरी अच्छी थी, नागिन का बदला, और फिर बदला खत्म हुआ तो अब खत्म करो ना सीरियल, पर इसका सीजन 2 निकालने की क्या जरूरत थी। और इतना हो गया कि सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5, सीजन 5 भाई। एक बार को तो सलमान भाई ने भी सोच लिया कि चलो अब छोड़ो, नहीं बन रही आगे स्टोरी, थोड़ा घास खा के आता हूँ। पर यहाँ तो सीजन 5 चल रहा है। इनके हर सीजन में सिमिलर स्टोरी होती है और एक ही मकसद होता है, बदला। नागिन की पतली की कहानी और इतनी घटिया एडिटिंग के बाद भी ये शो चाइना में बिग हिट है। भाई, सांपों से इतना क्या प्यार है तुम्हें। फिर आती है सास बहू सीरियल्स। अब हर एक सास बहू सीरियल में आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेगी, जैसे एक गरीब गाय जैसी बहू जिसे उसकी सास, सास की माँ और उसकी भी माँ कोई पसंद नहीं करता। जी हाँ, वो अभी तक जिंदा होती है, वो कभी मरती ही नहीं। फिर एक बड़ा सा घर जिसमें बड़े से कमरे जिसका इस्तेमाल होता है घर की बहू को फंसाने की प्लानिंग करने के लिए। फिर 24/7 पहने जाने वाली ज्वेलरी, भाई घर में इतना कौन पहनता है, नीता अंबानी बिना पहने। फिर एक ही सीरियल में बहुत सारी शादी, विदाई, जुदाई, चूहे का डिस्कशन। हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। रेडी सुनो सब लोग, सीन में जहाँ भी डायलॉग ना मिला वहाँ अपना दिमाग मत लगाना, बस कैमरा तुम्हारे ऊपर फोकस करे तब अपना सिर हिला देना, ठीक है। चलो, चूहे का डिस्कशन, टेक 1, एक्शन। चूहे का घर में रहना म्यूजिक बड़ा कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ सही है, सही है। घर में बच्चे हैं, बा है, राधा भी गर्भ से है। हमें किसी भी कीमत पर चूहे को ढूंढना होगा और उसे घर से बाहर करना होगा। कुछ भी हमें चूहे को चूहे दानी द्वारा पकड़ना होगा और उसके बाद कहीं दूर उसे छुड़वा देंगे। मिठी जी, हमें बहुत सारी चूहे दानियां लानी होगी और उसे घर के हर एक कोने में रखनी होगी, समझी गई? Got it. वाह, एक्सेलेंट, क्या परफॉर्मेंस, TRP फाड़ दी। कुछ ऐसे होते हैं इनके सीरियल्स, और कुछ सीन्स में तो लॉजिक ही नहीं होता। नहीं नहीं, वो लैपटॉप वाला और थप्पड़ वाला वीडियो में 50वीं बार नहीं दिखाऊंगा, हम कुछ और देखेंगे। तो इस सीन में कोई हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है और सर उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। ए, जहाँ तक मुझे पता है, मुंह से मोहित बोलने पर पहले तो होठ ओ का आकार बनाएंगे, उसके बाद साइड में खुलेंगे, ठीक है। चलो जो भी हो, पर मोहित के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, भगवान उसके हाथ हैं। अभी ये जिंदा कैसे है? बगल में नहीं फटा था भाई, ये अंदर बैठा हुआ था और चेहरे पे एक भी दाग नहीं। अरे मरा हुआ आदमी इंस्टेंट वापस कैसे आ सकता है, कम से कम पुनर्जन्म तक तो वेट कर लेता। सिद्धार्थ मल्होत्रा के स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मरे हुए लोग वापस नहीं आते स्वयं। बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। अरे रे, बिचारी का पति मर गया, इस बार तो पक्का 2 मिनट का मौन रखेंगे ताकि भगवान इसके पति की यार। अब है कौन? अब है कौन? होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। अरे वो मर चुका है और ये कैसे कर सकती है ऑपरेशन? मतलब इन लोगों ने तो डिग्रियां भेलपुरी बेचने के लिए रखी है ना। अरे कहाँ जा रही है, मरा हुआ आदमी पबजी की तरह होता है, एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता। सॉरी, वो क्या है, दिल में भरा था तो थोड़ा बाहर आ गया। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। ठीक है, मैंने दिमाग ही क्यों लगाया। एक सेकंड, इसका मतलब पबजी भी। खैर, इतनी रिसर्च के बाद फाइनली मुझे भी पता चल गया कि हाउ टू मेक इंडियन टीवी सीरियल्स। तो एक इंडियन टीवी सीरियल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है घंटा।
सबसे इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे आपको पूरी सीरियल में लगातार बजाना है। और मेक श्योर कि उस लिस्ट में आपके पास धूमताना जरूर से हो, जिसके आपको बहुत से वेरिएंट मिल जाएंगे। अरे ये वाला नहीं यार, फिर लीजिए एक हेयर ऑयल की बोतल। हालांकि बेवकूफ लोग तो इसे बालों में डालते हैं, पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे घर की बहू बेटियों को सीढ़ियों से गिराने के लिए। फिर एक खाली दवाई की बोतल जिसपे हम लिखेंगे जहर। इसे आपको महीने में एक बार विरोधी पार्टी को देने की कोशिश करनी है, और अगर कामयाब रहे तो सेहत में तुरंत बदलाव दिखेगा। और फिर एक यमराज इंडिकेटर जलता हुआ दिया, जो इनमें से किसी के भी सक्सेसफुल होने पर बुझ जाएगा। और मेक श्योर कि सीरियल में परिवार काफी बड़े हो, क्योंकि बड़ा परिवार यानी दुखी परिवार। इसका एक और फायदा है कि खुशी हो या दुख, आप हर एक के चेहरे पर जूम मार के ऑडियंस का टाइम बर्बाद कर सकते हैं। अब आधे से ज्यादा काम तो यही हो गया, अब बस सीरियल को सास बहू और साजिश के आसपास घुमाते रहो। और जब कभी लगे कि आगे कुछ सूझ नहीं रहा और स्टोरी बीच में अटक गई है, तो कैरेक्टर की याददाश्त गायब कर दो और नई स्टोरी चालू कर दो। बढ़िया है ना, तुम्हें कुछ सूझ रहा है ना उसे। अब तारक मेहता जैसे सीरियल में जब किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो, तो या तो उसे गाँव भेज देंगे, मायके भेज देंगे, पंजाब भेज देंगे, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे एकदम ओरिजिनल आइडिया, प्लास्टिक सर्जरी। और तैयार है आपकी नॉट सो रियल इंडियन टीवी सीरियल। अच्छा नाम, अरे सीरियल के नाम में इतना क्या सोचना यार, एक मिनट। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। और वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि वीडियो इसलिए लेट है क्योंकि इतने दिनों से मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रहा था। बस ये समझ लो कि जब भी बारिश होती है तब मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कर दो। और अच्छी खबर ये है कि जिस वीडियो की रिक्वेस्ट ज्यादातर लोग करते रहते हो, वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।